हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल ऑन स्काई पर। ऑन स्काई पर लास्ट एपिसोड हमारा था 07, जिसमें हमने सीखा कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में। आज का ये हमारा एपिसोड है 08, जिसमें आज हम कुछ सीखेंगे नए टूल्स, जिसमें हम देखेंगे इरेज करना और कुछ टूल्स उसमें और ऐड करेंगे जो इस इंटरेस्टिंग काम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बढ़िया सी इमेज से। हाई रेजोल्यूशन इमेज है जिसमें आप देखें तो इसका DPI वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कितना है। ये इस टाइम पर इमेज साइज़ में हम देखें तो 72 DPI, लेकिन जो उसका पिक्सल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 300 के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो भी इमेज साइज़ बहुत बढ़िया है। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की, जो कि है 08। तो शुरुआत करेंगे हम आज एक इरेजर टूल से। इरेजर टूल हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। इरेज करने के लिए हमने टूल सेलेक्ट किया और ऊपर देखेंगे तो इसमें ब्रशेस हैं, पेंसिल, ब्लॉक, तो हम ब्रश से ही काम चलाएंगे। यहाँ पर आप इसको साइज चेंज करना चाहें तो साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, ब्रश चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ऑपेसिटी इसकी कम ज़्यादा की जा सकती है, फ्लो इसका कम ज़्यादा किया जा सकता है, स्मूथिंग वो की जा सकती है। एक इसमें ऑप्शन है रोटेशन के बाद इरेज टू हिस्ट्री, इसको भी हम देखेंगे क्या है इसका मतलब। फिलहाल इसको ऑफ करते हैं और इसी के आगे सिमेट्री टूल भी दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे किस तरह हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं स्टार्टिंग पर। हमने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, हमारी जो इमेज है वो लॉक है। इसको अगर हम अनलॉक नहीं करते हैं तो इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वही अप्लाई होगा इरेज करने पर। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर होगा अगर हम इसको स्विच कर लें तो स्विच करने पर ये ग्रीन हो जाएगा। तो इरेज करने पर ये तो होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार अंडू करते हैं और जो हमारी लेयर है उसको हम अनलॉक कर देते हैं। लेयर को हमने अनलॉक कर दिया, अब दोबारा हम क्लिक करते हैं कहीं पर भी, तो इस तरह आप देखेंगे कि इमेज का वो पोर्शन इरेज हो रहा है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर इरेज करके हमने देख लिया है इसमें कि किस तरह इरेज किया था इमेज को, इमेज का वो पोर्शन पूरी तरह से डिलीट हो गया है वहाँ से। इसी में आगे हम देखें तो जो नेक्स्ट है हमारा इरेज टू हिस्ट्री, इसको समझने के लिए इसमें ब्रश टूल को थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रश टूल को हमने थोड़ा यहाँ यूज़ कर लिया, थोड़ा यहाँ यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ ये रहे कि कुछ काम किया है हमने फाइल में। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं इरेज टूल पर। इरेज टूल में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इरेज टू हिस्ट्री। इरेज टू हिस्ट्री को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने काम किया है, जब आप इरेज करने के लिए करेंगे तो सिर्फ वही काम आपका इरेज होगा जो कि आपने फाइल में किया हुआ है, करंट फाइल में जो किया हुआ है ओपन करने के बाद। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका देता है। अगर हमने कहीं पर कुछ ऐसा किया है जो हमें वापस रिवर्ट करना है, पूरी तरह से नहीं, कुछ स्टेप उसके करना है, तो इस टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप राइट पैनल पर देखें तो हिस्ट्री पैनल है। इस हिस्ट्री बटन को आप यहाँ से दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से आप नज़र नहीं आता है तो विंडो में जाके हिस्ट्री हम ऑन करेंगे और यहाँ पर आप इसको ऊपर लेकर देखें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट एक दिया हुआ है और आप यहाँ पर देखें तो ये हिस्ट्री ब्रश है जो कि आपको डिफाइन करती है किस स्टेप से इसको वापस करना है। अब ऐसे मान लीजिए मैंने इसको ब्रश टूल इस्तेमाल किया था, ब्रश टूल के बाद मैंने इस जगह पर इसको अप्लाई करता हूँ, ब्रश मैंने इसमें अप्लाई किया, इसके बाद मैं इरेज टू हिस्ट्री को मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं इसको इरेज टूल पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर करें तो ये यहाँ पर क्लिक होता है, जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसका, उसको हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये इरेजर का जो स्टेप है उसको वहीं रखेगा और जो ब्रश की जो सेटिंग हमने जो अप्लाई की है ये उसको इरेज करेगा। ये देखिए आप इस तरह यहाँ पर मैं ब्रश को इरेज कर रहा हूँ तो ये ब्रश का जो पोर्शन है वो इरेज हो रहा है और जहाँ मैंने पहले इरेजर टूल इस्तेमाल किया था अगर मैं वहाँ अप्लाई करूँगा तो ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें पूरी तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह और किस पोजीशन और किस जो इरेज टू हिस्ट्री टूल है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको दोबारा हम ऑफ कर देते हैं, इरेज टू हिस्ट्री को भी हम एक बार हटा देते हैं, इसको एक बार फाइल को हम रिवर्ट करेंगे। फाइल को रिवर्ट कर लिया, इसके आगे जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ इसको हम कोई भी अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको ओके किया, शेप चाहे जो मर्जी ले। यहाँ पर मैं इसको इमेज को इस तरह अप्लाई करूँगा, जैसे अभी इसको लेयर को हमें अनलॉक करना है, पहले लेयर अनलॉक हमने कर लिया, इसके बाद दोबारा मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये टूल हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इरेज टूल पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडू हमने कर लिया। इरेजर टूल के बाद में दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल, क्लिक करते हैं हम इस पर। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगी, सबसे पहला जो है वो है आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यूस फ्लो में ही इरेज करता रहेगा, यानी जो सैंपल है वो कंटिन्यूस लेता रहेगा जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई होता है। आप इसको ब्रश को इस तरह मूव करेंगे
तो जो बैकग्राउंड है उसको इरेज करता रहेगा। पर अगर इसमें आप इसमें देख रहे हैं जो इसका सेंटर पॉइंट है ब्रश का, जो प्लस एक छोटा सा प्लस आपको नजर आ रहा है, अगर उसको मैं इनसाइड कर दूंगा ऑब्जेक्ट के तो वहां पर भी उसको इरेज करेगा। तो इसे हमें ऑब्जेक्ट के एजेस पर रखना होगा जिससे कि सिर्फ वही पोर्शन इरेज होगा जो हमें चाहिए, उसके अलावा ये बाकी पोर्शन को छोड़ देगा। इसी में जो बाकी देखे हम डिसकॉन्टिगुअस और कॉन्टिगुअस और फाइन एजेस। डिसकॉन्टिगुअस जब हम क्लिक करते हैं तो मैंने इसको क्लिक किया किसी भी पोर्शन पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसको, और इसको मैं सिर्फ जिस कलर को मैंने इरेज करना है सिर्फ उसी पर मैं इसको अप्लाई करता रहूँगा। जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो प्लस छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, उसको मैं आगे मूव नहीं करूँगा जिससे कि वो ऑब्जेक्ट को ख़राब नहीं करेगा ज़्यादा। क्लिक करके मैं छोड़ दिया, दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो ये उसी तरीके से काम करेगा। इस कॉन्टिगुअस के बाद कॉन्टिगुअस में मैंने इसको अप्लाई किया और ये रेगुलर ब्रश को यूज़ करता रहेगा। इसको करने के बाद दोबारा हम देखते हैं इसमें फाइंड एजेस। यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ब्रश का साइज़ हमने एक बार बड़ा किया थोड़ा सा। साइज़ बड़ा करने के बाद जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एजेस को ध्यान रखेगा, जो भी ऑब्जेक्ट उसे नज़र आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से आगे ये आगे नहीं बढ़ेगा इरेज करने के लिए, क्योंकि हमने ऑप्शन इसको बताया हुआ है फाइंड एजेस। जहाँ पर भी एजेस को नज़र आएंगे वहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा, उस जगह पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो है सैम्पल वंस। इसको जब हम क्लिक करते हैं एक बार, दोबारा हम अंडू करते हैं इसको। अंडू मैंने किया और दोबारा मैंने इसको वंस एक बार क्लिक किया, यानी कि और ये उसी सैम्पल पर, यानी कि एक बार मैंने क्लिक कर लिया है उसी सैम्पल ये काम करता रहेगा। कहीं पर भी आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एजेस हैं वो इस प्लस का जो साइन आपको दिख रहा है छोटा सा, उसको उस जगह पर अप्लाई ना करें जो आपने इरेज नहीं करना हो। अगर मैंने मान लीजिए मैं इस पोर्शन पर इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ अप्लाई करते ही ये इसको भी इरेज कर देगा। एक बार दोबारा अंडू करते हैं इसको। इसको अंडू करने के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बैकग्राउंड स्वेचेस। बैकग्राउंड स्वेचेस को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमने इसको कलर दिया हुआ है ग्रीन, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम ग्रीन ही करते हैं। तो जहाँ पर भी ग्रीन होगा ये सिर्फ उसी को इरेज करेगा। तो जिस पोर्शन को हमने इरेज करना है ये सिर्फ उसी पर काम करेगा, जो सैम्पलिंग है वो हमने बैकग्राउंड इसको प्रोवाइड की है इरेज करने के लिए। बैकग्राउंड इरेजर टूल के बाद में जो नेक्स्ट है हमारा मैजिक इरेजर टूल, इसको हम क्लिक करते हैं। इसका काम सिर्फ यही है, आप जैसे हमने सिलेक्शन के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए थे वैसे ही इसको हम यूज़ करते हैं। जिस भी कलर पर मैं इसको क्लिक करूँगा ये उस कलर को इरेज करता रहेगा। एक ही काम के लिए आपको कई तरह के टूल्स मिलेंगे इसमें, तो हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है काम करते टाइम जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी एडिटिंग करते हैं, उसमें किस टाइम किस टूल का इस्तेमाल होगा। उसमें जो भी वर्क हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। सेटिंग आप टॉलरेंस इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैम्पल ऑल लेयर्स कर सकते हैं अगर लेयर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, कॉन्टिगुअस अगर इसको रखना चाहते हैं तो वो ऑन कर सकते हैं और ऑफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दोबारा एक बार इसको हम रिवर्ट कर लेते हैं फाइल को। फाइल को हमने रिवर्ट किया इरेजर टूल में, ये तीन टूल हमारे हो चुके हैं। इन टूल्स के बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास उसको देख लेते हैं। यह है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। सबसे पहले हिस्ट्री ब्रश टूल को चेक करते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं इरेजर टूल में ही, हम इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। जो भी हम काम कर चुके होते हैं फाइल में, जैसे यहाँ पर आपको ध्यान होगा इस टूल का मैंने अभी यूज़ किया था, इसको हिस्ट्री ब्रश टूल ही कहते हैं। फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं, दोबारा हम इस पर कुछ काम कर देते हैं। ब्रश हमने सेलेक्ट की और हम इसको अप्लाई किया, हमने अप्लाई हमने इस पर को कर दिया है और दोबारा हम टूल को सिलेक्ट करते हैं। टूल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको जब मैं इरेज करूँगा तो जो काम मैंने इस पर किया है सिर्फ वही इरेज होगा। फाइल को एक बार हम दोबारा रिवर्ट करते हैं। फाइल को रिवर्ट किया और या इस फाइल को हम दोबारा एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। दोबारा ओपन करने के बाद दोबारा इस पर हम कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं। ब्रश मैंने सेलेक्ट की, ग्रीन कलर मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, थोड़ा यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब इसके बाद दोबारा मैंने टूल सेलेक्ट किया। टूल सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं इसको इरेजर को इस पर यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे वही पोर्शन इसमें से इरेज हो रहा है जो मैंने अभी अप्लाई किया है, यानी जो भी काम हमने किया है। अगर उसका कुछ पोर्शन हमें वापस बैक स्टेज पर ले जाना हो तो उसे हिस्ट्री इरेज टूल से हम कर सकते हैं।
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको किस स्टेट पर सेट करना चाहते हैं। हिस्ट्री टूल जो पैनल है वहाँ हम इसको सेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम इसको क्लिक करेंगे उसके पहले की यानी कि जो उससे पहले ऊपर जो कमांड है वो अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर जो इसके बाद में जो कमांड हमने यूज़ किए हैं उस पर वो टूल अप्लाई होगा। तो इसको हम वापस अंडू करते हैं एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास इसमें वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर उसमें ऑप्शन आपको जो नजर आएंगी वो नॉर्मल मोड इसका चेंज कर सकते हैं आप, इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं, टॉलरेंस बता सकते हैं कितना ज्यादा करना है या कम करना है, या इसमें ब्रश का जो रोटेशन है वो सेट कर सकते हैं। जो मेन है वो है यहाँ पर स्टाइल। स्टाइल इसमें अलग अलग है तो आप सभी को यूज करके देख सकते हैं किसका क्या इफेक्ट है। तो पहले हम क्लिक करते हैं एक को, ब्रश का जो साइज है मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये पैटर्न इस पर क्रिएट करता है जो भी हमने टूल सेलेक्ट किया होगा। ये रैंडम इफेक्ट है जो इस पर ये अप्लाई कर रहा है। दोबारा इसको हम ब्रश का जो स्टाइल है वो चेंज करके देख लेते हैं। थोड़ा साइज हमने इसका थोड़ा बड़ा कर दिया है। नीचे जो इमेज का पोर्शन है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो फिलहाल हम इमेज को वैसे तो ख़राब ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ इमेज ऐसी होती हैं जहाँ हम इस इफेक्ट को यूज़ करके कुछ बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट आगे है वो देखें आप, इसका एरिया आप बढ़ा सकते हैं। एरिया मान लीजिए मैंने इसको 90 पिक्सल कर दिया तो उसी हिसाब से ये अप्लाई होगा। दोबारा इसको मैं 50 कर देता हूँ और जो इसका स्टाइल है उसको एक दो बार चेंज करके देख लेते हैं। जैसे इसमें टाइट लॉन्ग है इसको मैंने अप्लाई किया तो ये देखिए आप जो स्ट्रोक है वो चेंज हो चुके हैं, वो किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। जो भी कलर इसको बैकग्राउंड में मिलेगा उस पर ये अप्लाई करते रहें, उस कलर को इस तरह कन्वर्ट करता रहेगा। इन्हें आप यूज़ करके जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत ही अच्छे इफेक्ट इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। एरिया जो है इसको कम ज़्यादा करके इसकी सेटिंग को चेंज किया जा सकता है, लूज कर या लूज कर लॉन्ग। ये तो था, हमने उसी लेयर पर इसको यूज़ किया। एक बार इसको हमने अंडू किया, अंडू कीजिए या फिर इसको रिवर्ट करते हैं। रिवर्ट करने के बाद इसमें हम एक न्यू लेयर लेते हैं। यहाँ पर चाहे तो मैं इसको वाइट कर लूँ इसका जो बैकग्राउंड है लेयर वन को, या इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं हम। तो जब हम इसको इस तरह यहाँ पर अप्लाई करते हैं इफेक्ट में ऊपर से कोई दूसरा भी जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो ये सिर्फ न्यू लेयर पर है, ऊपर वाली लेयर को हम ऑफ कर देते हैं तो जो ओरिजिनल लेयर हमारी है उस पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको मोड चेंज कर दें या कोई इफेक्ट दूसरा इस पर क्रिएट कर दें। तो इस तरह के बहुत ही मल्टीपल इफेक्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल में और भी बहुत सी सेटिंग हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। डैप जैसे है इसको मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसको, टॉलरेंसेस की इंक्रीज़ कर लेते हैं। इस लेयर को फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ। नीचे वाली लेयर जो कि हमारी बैकग्राउंड लेयर है उस पर मैं वापस क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब इसको अप्लाई करता हूँ तो इसका भी एक अलग ही इफेक्ट है। इन्हें आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप समझ पाएँ कि इसमें किस किस तरह की सेटिंग पर इनको यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं फोटोशॉप को वो भी इसको समझ सके। जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी फाइनल आपकी आउटपुट आती है इन टूल्स को अप्लाई करने के बाद, उस फाइल को आप एज ए जेपेग सेव कीजिए और सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे टैग करते हुए इसे अपलोड कीजिए। उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था हमारा एपिसोड 08। इसके बाद जो हम करेंगे 09, जिसमें सीखेंगे हम कुछ और नए टूल्स के बारे में और देखेंगे किस तरह हम अपने फोटोशॉप कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं।